Welcome to e-learning, dear students. E-learning first time class 8th के students के लिए mathematics का course launch कर रही है, जो कि आज इसकी first video है. So class 8 lecture number 1, unit 1, operations on sets. So start करते हैं जी. स्टार्ट में ही सबसे पहले जी ये बाबा जी आपके सामने आ गए. सो ये बाबा जी जो थे, इनका नाम था जी जॉर्ज कैंटोर. सो जी जॉर्ज कैंटोर जो थे, ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे, यानी कि मैथमेटिशियंस थे, जिन्होंने सेट्स का इस्तेमाल किया था. मतलब ये सेट्स को इन्वेंटर यानी इन्वेंट इन्होंने किया था, या डिस्कवर इन्होंने किया था. तो ये फर्स्ट जो थे साइंटिस्ट थे, जॉर्ज कैंटोर. जर्मनी से इनका ताल्लुक था. 1845 में ये पैदा हुए, 1918 तक जो है इनका दौर था, और इन्होंने इसको इस्तेमाल किया. उसके बाद जो सेट्स हैं वो आमतौर पे यूज़ हो रहे हैं इनकी डिस्कवरी के बाद. सो द थ्योरी ऑफ सेट वाज डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटोर. ही फर्स्ट एनकाउंटर्ड सेट्स वाइल वर्किंग ऑन प्रॉब्लम्स ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज. यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक मैथ्स की एक ब्रांच है, उसमें मसला था, उसको सॉल्व करने के लिए इन्होंने सेट्स का इस्तेमाल किया था. सेट्स आर बीइंग यूज्ड इन द मैथमेटिशियन प्रॉब्लम सिंस दे वर डिस्कवर्ड. तो तब से ये इस्तेमाल हो रहे हैं. सो तो सेट बेसिकली है क्या ना, इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए या जनरल ऑब्जर्वेशन देखी जाए, तो सेट्स जो है वो कलेक्शन ऑफ थिंग्स है. वो जैसे आपके ताश के कार्ड होते हैं, पत्ते होते हैं, जैसे पैक ऑफ कार्ड्स कहते हैं. लोगों का हजूम है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, चेल्सी की जो फुटबॉल टीम है. तो जो वेल डिफाइंड चीज़ें होती हैं उन्हें हम कहते हैं कि ये सेट है. इसी तरीके मैथ के अंदर अगर हम आएँ, तो इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल नेचुरल नंबर है, प्राइम नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं, ऑड नंबर है, यानी कि ताक और चुफ नंबर्स हैं. ये सारे ही सेट्स बनते हैं बेसिकली. अगर हम सेट की प्रॉपर डेफिनेशन देखें, तो वो होगी सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. मतलब इसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं जितने भी, वो वेल डिफाइंड हैं. और इसके अंदर जो एक सेट के अंदर, जैसे आप कहते हैं ग्लास का सेट, खाने के बर्तनों का सेट, टी सेट, कस्टर्ड सेट, तो उसके अंदर एक वेल डिफाइंड चीज़ें होती हैं. मतलब अगर ग्लास सेट करें तो उसके अंदर एक जग होगा, 6 गिलास होंगे या 12 गिलास होंगे. इसी तरीके से आप वो डिनर सेट कहेंगे तो उसके अंदर 72 पीसीज होंगे और मुख्तलिफ चीज़ें होंगी. तो इसी तरीके से वो वेल डिफाइंड है, ठीक है जी. उसके इसके अलावा जो वो चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल गिलास है उसके अंदर, तो वो उसके एलिमेंट है, ठीक है जी. इसी तरीके से जो डिनर सेट है उसके अंदर प्लेट्स जो है वो एक एलिमेंट है. और हर सेट को हम कोई ना कोई नाम देते हैं. सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर. मतलब उसे कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है. वो कैपिटल ए बी सी डी ई ऑनवर्ड टू जी, उसका कोई ना कोई नाम रखा जाता है. जैसे हर इंसान का नाम रखा जाता है, अक्रम, अली, फरीद, कबूर, तो कोई भी नाम रखा जाता है. तो वो जो नाम होता है बेसिकली वही सेट का भी नाम रखा जाता है. जैसे सेट बनाया जाता है तो उसका कोई ना कोई एक नाम रख लिया जाता है. एलिमेंट ऑफ अ सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर. अगर कोई लेटर जो है उसको हमने एज एलिमेंट इस्तेमाल करना, फॉर एग्जाम्पल ए को, तो ए को हम कैपिटल में नहीं लिखेंगे, उसे स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे. नेक्स्ट, सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है. सो इसके दो मेथड्स हैं सेट को रिप्रेजेंट करने का. फर्स्ट है टेबुलर फॉर्म, इसे रोस्टर फॉर्म भी कहा जाता है, और सेकंड जो है उसे सेट बिल्डर फॉर्म कहा जाता है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रोस्टर और टेबुलर फॉर्म जो होता है वो बेसिकली क्या होती है और उसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. रोस्टर फॉर्म के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, ये लिस्टेड सेट्स होते हैं, उनको ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स या मीडियम ब्रैकेट्स भी आमतौर पर कहते हैं, दरमियानी ब्रैकेट्स भी कहा जाता है, तो उनके अंदर उन्हें बंद कर दिया जाता है. और हर एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से अलहदा करने के लिए कॉमे का इस्तेमाल किया जाता है. जैसा कि ये नीचे एग्जाम्पल है इसकी, कि सेट ऑफ फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक है हमारे पास नेचुरल नंबर है, 1 to 10, उनका सेट बनाना है ना. उसको हम रिप्रेजेंट इस तरह करेंगे कि उसे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो ये एक सेट की रिप्रेजेंटेशन है. इसी तरीके से जो सेट बिल्डर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म बेसिकली ऐसी एक फॉर्म है जिसमें सिंगल कॉमो प्रॉपर्टी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, पोजेस्ड बाय एन एलिमेंट आउटसाइड द सेट. इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं लिखा जाता. फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा था कि पिछली एग्जांपल के अंदर कि फर्स्ट 10 प्राइम नंबर का सेट, तो यहाँ पे हम सिर्फ ये देखेंगे कि
एक्स इज अ सेट ऑफ एक्स इज द फर्स्ट 10 एलिमेंट ऑफ अ रियल नंबर, ठीक है। सो इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो वो कहता है सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर के, सो के इज इक्वल टू एक्स, और एक्स क्या है जी, एक्स इज अ नेचुरल नंबर है, ठीक है। जो भी एक एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर है, और जो इसके अंदर के अंदर, और इसी तरीके से इसकी सेट के कुछ एग्जांपल्स हैं मैथ के अंदर में, जो हम आमतौर पर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये सेट की एग्जाम्पल है ना। उसमें सबसे पहले एग्जाम्पल जो है वो है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जो नेचुरल वैल्यूज हैं, अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ पैदा की है वो 1, 1 पैदा की है, 2 पैदा की है, 100 पैदा की है, वो कुछ चीज़ 0 नहीं पैदा की, मतलब वो पैदा ही नहीं, 0 होगी नहीं, वो हमें पता ही नहीं होगा। इसीलिए इसको नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। इसके अलावा दूसरा है जी होल नंबर, उसे डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता था, सेट ऑफ होल नंबर उसे रिप्रेजेंट डब्ल्यू से किया जाता है। इसके अंदर जीरो भी आता है, मतलब होल नंबर में आपको पता होगा कि होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 ऑनवर्ड ये चलते जाते हैं। इस तरीके से जी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स हैं, मतलब अगर हम होल नंबर के साथ साइन लगा दें, +-1, +-2, +-3, +-4, +-5, तो वो इंटीजर्स हो जाएंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट है जी सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर ऐसे वो तमाम नंबर्स जो कि अपने आप पे और 1 के अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं होते, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और सो ऑनवर्ड्स, तो ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। सो नेक्स्ट इज ओ रिप्रेजेंट करता है द सेट ऑफ ऑड नंबर्स को। इसके अंदर तमाम ऑड नंबर है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, जितने भी ऑड नंबर है ना जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, उन्हें हम ऑड नंबर बोलते हैं, उर्दू में इन्हें ताक अदाद कहते हैं। इसके बाद आ जाता है जी इवन नंबर, द सेट ऑफ इवन नंबर, वो तमाम नंबर जो कि 2 पे डिवाइड होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन, ये सारे इवन नंबर्स हैं। इसके बाद आ जाता है क्यू, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, द नंबर दे कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू आर कॉल्ड रैशनल नंबर। तो ये आगे आप इंशाल्लाह फर्दर अपनी अगली क्लासेस में स्टडी करेंगे। रियल नंबर द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, बेसिकली कम्प्लेक्स नंबर के आगे दो ब्रांचेस होती हैं, एक रियल नंबर होते हैं और एक इमेजरी नंबर होते हैं। रियल नंबर के अंदर ये सारे नंबर आते हैं, मतलब जो एन है, डब्ल्यू है, जी है, पी है, ओ है, ई है, क्यू है, ये सारे ही रियल नंबर के अंदर आते हैं। अगर हम दूसरे लफ्जों में हम कहें तो हम कहेंगे कि ये सारे जो हैं ये रियल नंबर के सबसेट हैं, मतलब एन इज अ सबसेट ऑफ आर, क्यू इज अ सबसेट ऑफ आर, ई इज अ सबसेट ऑफ आर, ओ इज अ सबसेट ऑफ आर, पी इज अ सबसेट ऑफ आर, मतलब ये सारे ही सबसेट हैं किसके, रियल नंबर्स के। टाइप्स ऑफ अ सेट, अब सेट्स की टाइप्स कितनी होती हैं, वो तो एग्जाम्पल थी कि वो हमने पढ़ी हुई थी सारी, अब उनको हम सेट्स बोलते हैं। अब आते हैं ना टाइप, सबसे पहली टाइप है इसकी एम्प्टी सेट, ठीक है। दूसरी इसकी टाइप है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, तीसरी है इक्वल सेट, फोर्थ वन है जी सब सेट, फिफ्थ वन है जी पावर सेट, एंड द लास्ट वन है यूनिवर्सल सेट। ये 6 टाइप्स हैं इसकी, ठीक है। जिस तरह इसकी एग्जाम्पल्स तो काफ़ी ज़्यादा थी, टाइप्स के अकॉर्डिंग तो अगर हम इसे देखा जाए तो सेट्स की जो टाइप होती है वो 6 है, वो 6 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले एम्प्टी सेट, ऐसा एम्प्टी सेट, एम्प्टी जैसे नाम से जा रहा है कि एक सेट ऐसा जो कि एम्प्टी है, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट, मतलब उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, वो खाली दो पतली ब्रैकेट्स होती हैं। उसको दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, नोटेड बाय सिम्बोलिकली, एक तो उसका ये फाई का सिंबल इस्तेमाल किया जाता है, और मतलब ये एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है, ये जो फाई का सिग्नल है सिंबल है ये वाला, ये एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने एम्प्टी सेट शो करना तो आप सिर्फ ये लिखते हैं, अगर इसके दूसरी जो है अदर फॉर्म है कि वो खाली करली ब्रैकेट्स को हम लिखते हैं, तो ये भी डिनोट करती है कि ये सेट जो है वो एम्प्टी है। अगला जो नेक्स्ट है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट नंबर सेट्स, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, फाइनाइट से शो होता है फाइनाइट ऐसी चीज़ें जिसकी लिमिट लिमिटेड है, और इनफाइनाइट जो अनलिमिटेड है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट डिफाइंड नंबर और एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफिनाइट। ऐसा हाली सेट या ऐसे सेट जिनके अंदर कुछ ना कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन वो फिक्स होते हैं, वह 5 है, 7 है, 8 है, 10 है, 100 है, 1000 है, 2000 है, 5000 है, 18000 है, 20000 है, जितने भी हैं वो लिमिटेड है, ठीक है जी।
तो उनको हम बोलते हैं कि वो फाइनाइट सेट है। अदरवाइज अगर कोई ऐसा सेट है जैसे रियल नंबर का सेट है जी, होल नंबर का सेट है जी, प्राइम नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर, जितने हमने एग्जाम्पल्स पढ़ी वो सारे ही इनफाइनाइट थी, वो सारी ही एग्जाम्पल इनफाइनाइट्स की थी, उसमें एक ऐसी एग्जाम्पल नहीं जो कि हम फाइनाइट की दे सके। के बी द सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक, अगर हम कहेंगे हफ्ते के दिनों का सेट, महीने के दिनों का सेट, तो ये फाइनाइट सेट्स है। तो ऐसी एक लाइन है उसके ऊपर पॉइंट, तो एक पॉइंट जो होते हैं एक लाइन के ऊपर वो अनलिमिटेड होते हैं, और लाइन भी जो होती है वो भी बेसिकली अनलिमिटेड ही होती है, वो कितनी लंबी कहाँ तक जा रही है नोबडी नोज। सो उसके ऊपर जितने पॉइंट हैं वो भी जो है वो इनफाइनाइट्स है, ये इनफाइनाइट की एग्जाम्पल है। कहता है लेट आर बी द सेट ऑफ अ पॉइंट्स ऑन अ लाइन, देन आर इज अ इनफाइनाइट नंबर। सो ये इसकी सेकेंड टाइप थी। थर्ड टाइप थी इक्वल सेट, अगर दो सेट हैं उनके दोनों के एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में इक्वल हैं, फॉर एग्जांपल एक सेट ए है तो बी के एलिमेंट और ए के एलिमेंट बिल्कुल सेम है, तो हम कहेंगे कि ए इक्वल टू है बी के। इवन टू सेट्स के एंड आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट एंड वी राइट के इज इक्वल टू आर, अदरवाइज द सेट आर सेट टू बी द अनइक्वल एंड वी राइट के इज नॉट इक्वल टू आर। यहाँ पर नॉट इक्वल टू का साइन लगाना मैं भूल गया, उसके लिए माजरत। लेकिन जो ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल हैं, फॉर एग्जांपल के है 1 2 3 4 एंड आर भी 1 2 3 4 है, तो ये दोनों सेट्स जो हैं ये आपस में इक्वल है, सो के इज इक्वल टू आर, उसके एलिमेंट भी 4 है वो से। ये नहीं है कि नंबर 4 होने चाहिए, 1 2 3 4 है तो वहाँ 5 6 7 8 हो गए, नहीं, फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट के, थर्ड थर्ड के, फोर्थ फोर्थ के। अगर ये एलिमेंट शफल हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल 4 पहले पे आ जाए, 3 2 1 चौथे पे चला जाए, तो फिर भी ये इक्वल है, क्योंकि जब हम इसे सॉर्ट ऑर्डर में करते हैं तो फिर वो ये दोनों आपस में इक्वल कंसिडर किए जाते हैं। अच्छा, आगे जो चौथी टाइप है वो सबसेट की है। सो अ सेट आर इज अ सेट टू बी अ सबसेट ऑफ के इफ एवरी एलिमेंट ऑफ आर इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ अ के, ठीक है जी। तो आर के सबसेट है आर का, आर इज अ सबसेट ऑफ के, इसे इस तरह प्रोनाउंस किया जाता है कि अगर एक सेट ए आर है, जैसे नीचे एग्जांपल है इसकी, ऑल एलिमेंट आर कंटेन्ड इन के, इसकी दो टाइप्स हैं, इसकी एग्जांपल सॉरी यहाँ पे नहीं आगे होगी, दिस मीन्स दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ आर कंटेन्ड इन के। अ सेट आर इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ अ सेट के इफ एवरी एलिमेंट ऑफ आर इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ अ, यानी कि के आर के जितने एलिमेंट है वो के अंदर मौजूद है, दिस मीन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ आर कंटेन्ड इन के, आर के तमाम एलिमेंट के मौजूद है, तो आर सबसेट है किसका, के का। इसकी दो टाइप्स हैं, एक प्रॉपर सबसेट है और एक इम्प्रॉपर सबसेट है। तो प्रॉपर सबसेट ऐसा सबसेट होता है जिसके अंदर दो सबसेट है, फॉर एग्जाम्पल ए और बी है, तो ए के जितने एलिमेंट है वो बी के अंदर हो, लेकिन बी के जो एलिमेंट है वो ए के अंदर ना हो, कम से कम एक एलिमेंट डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल इसकी नीचे एग्जाम्पल लेते हैं, इफ ए इज इक्वल टू 1 3 5 एंड देन बी इज इक्वल टू 1 5, सो बी जो है वो प्रॉपर सबसेट है ए का, ठीक है जी। अ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट ए सबसेट ऑफ ए दैट इज नॉट इक्वल टू ए, वो ए के इक्वल ना हो। इन अदर वर्ड्स इफ बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए देन ऑल एलिमेंट ऑफ अ बी आर इन ए बट ए कंटेन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट दैट इज नॉट इन बी, यानी कि ए के अंदर कोई एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि बी के अंदर मौजूद ना हो। सो इसके नीचे एग्जाम्पल है, इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 1 5, सो बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अ प्रॉपर सबसेट इज डिनोटेड बाय, इसका साइन है जी, यू को टेढ़ा कर दिया, राइट साइड पर टर्न कर दिया, एंड इज रीड एज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ, इसे रीड जब किया जाता है, जैसे ही ये लिखा होता है तो हम यही रीड करते हैं, प्रॉपर सबसेट ऑफ, यूजिंग द सिंबल वी कैन एक्सप्रेस अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए एंड सबसेट ऑफ बी एज वेल, ठीक है। ए सबसेट है बी का या ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट, एक सेट के अंदर जो उसके सबसेट्स होते हैं तो उनका नंबर कैसे काउंट कर सकते हैं जो कि प्रॉपर सबसेट्स होते हैं। तो सम कंसीडर सेट कंटेन्स एन एलिमेंट, देन नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इज 2n-1, यानी कि एक एलिमेंट के अंदर 3 नंबर हैं तो वो 2 की पावर 3 रखेंगे, तो 2
2^3 इज इक्वल टू 8, 8 में से 1 को माइनस किया तो पीछे 7। अगर किसी एलिमेंट के अंदर 4, यानी कि किसी सेट के अंदर 4 एलिमेंट हैं, तो उसके प्रॉपर जो सबसेट बनेंगे वो 7 बनेंगे। इसी तरीके से अगर, नहीं सॉरी, 2^3 अगर 3 एलिमेंट हैं तो फिर 7 प्रॉपर सबसेट, अगर 4 है तो 15 बनेंगे, अगर 5 है तो फिर 31 बनेंगे, क्योंकि 2^5 अगर 5 हो तो फॉर वो बनता 32, तो 32 में से 1 माइनस करें तो 31। सो इंपॉर्टेंट थिंग इज पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट इज सेट इटसेल्फ, बट सेट इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो वो कहता है कि किसी भी सेट का जो सबसेट होता वो उसका अपना उसकी सेम वही चीज होती है, वरना ए एक सबसेट है, उसका एलिमेंट है 1 2 3 4। सो बी ए जो है वो अपना सबसेट होगा, लेकिन वो अपना प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, वो अपना इम्प्रॉपर सबसेट होगा, क्योंकि जो उसके एलिमेंट हैं वो ही सेम उसके अंदर है। ठीक है जी। इफ एस इज इक्वल टू ए बी एक सेट है, द सबसेट ऑफ एस इज इक्वल टू एम्प्टी सेट है ए बी एंड ए बी। इसके अंदर जो लास्ट वाला जो सबसेट है, जैसे हम ए बी जो है, ये आप जो शो कर रहा है, ये वाला जो सबसेट है ये बेसिकली इम्प्रॉपर सबसेट है। ये वाले 3 सबसेट जो है इसके प्रॉपर सबसेट, 2^ अगर हम 2 रखें क्योंकि 2 एलिमेंट है, तो 2^2 4 -1 3, तो ये आंसर हमारे पास आ रहा है कि इसके अंदर ये 3 सबसेट है। नंबर ऑफ सबसेट, ये एग्जांपल है, 2 इज इक्वल टू 4, प्रॉपर सबसेट एस इज इक्वल टू 1 2 3 4, मतलब ए बी और एम्प्टी सेट है। द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 2^3 इज इक्वल टू, जैसे अभी हमने इसका जिक्र किया, इम्प्रॉपर सबसेट। एंड इम्प्रॉपर सबसेट इज अ सबसेट कंटेनिंग एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ओरिजिनल सेट, अ प्रॉपर सबसेट कंटेन सम बट नॉट ऑल ऑफ द एलिमेंट ऑफ द ओरिजिनल सेट। ठीक है जी। इसके अंदर कहता है कि जैसे हमने वो पहले जिक्र किया था कि जो आखिरी सेट था जिसके अंदर सेम टू सेम एलिमेंट्स होते हैं वो उसका इम्प्रॉपर सबसेट होता है, लेकिन जिसके अंदर सेम टू सेम एलिमेंट नहीं होते, कोई एक आधा कम होता है, तो वो उसका प्रॉपर सबसेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, कंसीडर ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, देन बी इज इक्वल टू 1 2 4, सी इज इक्वल टू 1 आर द प्रॉपर सबसेट, वाइल डी 1 2 3 4 5 इज एन इम्प्रॉपर सबसेट। तो यहाँ पे ए और डी जो है ये एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट है, जबकि बी जो है वो ए का प्रॉपर सबसेट है, सी भी ए का प्रॉपर सबसेट है। एग्जाम्पल इसकी जी, सेट पी इज इक्वल टू 4 से, देन सबसेट ऑफ पी आर, ये इसके सबसेट है, एम्प्टी सेट है, 2 है, 4 है, 6 है, 2 4 है, 4 6 है, 2 6 है, एंड 2 4 6 है। जो सबसे लास्ट वाला है वो इम्प्रॉपर है, बाकी पहले 7 जो है वो इसके प्रॉपर सबसेट है। 2 4 6, 2 4 4 6, 2 6 आर द प्रॉपर सबसेट, एंड एम्प्टी सेट 2 4 6 आर द इम्प्रॉपर सबसेट। देयरफॉर वी कैन राइट एम्प्टी सेट इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ पी एंड प्रॉपर सेट ऑफ पी। सो पावर सेट, द पावर सबसेट टू बी द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी। मतलब एक सेट के अंदर जितने भी उसके सबसेट्स होते हैं वो उसके बेसिकली पावर सेट कहलाता है। द पावर सेट सेट टू बी द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, उन सबसेट को अगर कलेक्ट इकट्ठा कर दिया जाए तो वो बेसिकली जो मेन सेट होता है उसका पावर सेट उसे हम बोलते हैं। एग्जाम्पल इसकी, इफ ए इज हैविंग एलिमेंट ए बी, देन पावर सेट ए विल बी पी ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट ए बी एंड ए बी। ये चारों सेट जो है उसके प्रॉपर एंड प्रॉपर सबसेट, वो उसका क्या बन जाता है, पावर सेट। दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं, द सम ऑफ या द यूनियन ऑफ, आगे हम टर्म इस्तेमाल करेंगे यूनियन, वहां से आपको पता, द यूनियन ऑफ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। सो द कलेक्शन भी आप कह सकते हैं, यूनियन भी कह सकते हैं, इट्स अप टू यू कि आप इसे क्या कहेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर था वो क्लोज हुआ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ई लर्निंग को, और क्लिक कीजिएगा बेल आइकन को, ताकि आपको इससे नेक्स्ट लेक्चर जैसे ही अपलोड हो तो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़।